ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर रायसेन जिले से है, जहां सिलवानी के साईखेड़ा में विधायक रामपाल सिंह ने 37 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित गौशाला और हाई स्कूल भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विधायक का फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं आयोजन से पहले कन्या पूजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत का गायन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक रामपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश के साथ ही संपूर्ण जिले में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। वहीं गाँव में सड़क, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र भवन और स्कूल भवन सहित अनेक निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने जनता से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। सब लोग आराम डालो। एक मिनट।